प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पांचवा पाठ पढ़ेंगे, कबीर के दोहे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा, पांचवा और छठा दोहा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस पाठ का चौथा दोहा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यहाँ पर सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना, यहाँ पर सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इस दोहे का सरलार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई याद नहीं करता है, परमात्मा को कोई स्मरण नहीं करता है। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इस दोहे का सरलार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में तो सभी परमात्मा को याद करते हैं, पर सुख के समय परमात्मा को कोई याद नहीं करता है। यदि हम उसे सुख के समय भी याद करते रहें तो दुख आएगा ही नहीं। इसी तरीके से पांचवा दोहा पढ़ते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर जुग का अर्थ है युग, भया का अर्थ है हुआ, फिराने का अर्थ है ने बदला, मन का फेर का यहाँ पर अर्थ है मन का छल कपट। मन का फेर का यहाँ पर अर्थ है मन का छल कपट। डारी दे का यहाँ पर अर्थ है डाल दे। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे का सरलार्थ है, यूं तो इस दोहे का सरलार्थ है, कबीरदास जी ईश्वर स्मरण के लिए माला फेरने को व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग काफी समय से माला फेर रहा है, पर तेरा मन नहीं फिरा, तेरे मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला के मोती को घुमाओ या फेर, अर्थात मन को बुराई से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। माला फेरत जुग भया, फिरा ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस दोहे का सरलार्थ है, कबीरदास जी ईश्वर स्मरण के लिए माला फेरने को व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग काफी समय से माला फेर रहा है, तू
युग काफी समय से माला फेंक रहा है, पर तेरा मन नहीं फिरा। तेरे मन का हेर फेर यानी कि छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला की मोती को फेर, अर्थात मन को बुराई से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। कबीर दास जी ईश्वर स्मरण के लिए माला फेरने को व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग युग से या काफी समय से माला फेर रहा है, पर तेरा मन नहीं फिरा। तेरे मन का फेर फेर छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला की मोती को फेर, अर्थात घुमाओ। मन को बुराई से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। कबीर दास जी ईश्वर स्मरण के लिए माला फेरने को व्यर्थ बताते हैं। वे सभी भक्तों से कहते हैं कि तू युग काफी समय से माला फेर रहा है, पर तेरा मन नहीं फिरा। तेरे मन का हेर फेर छल कपट नहीं गया। तू हाथ की माला को डाल दे और मन की माला की मोती को घुमाओ या फेर, अर्थात मन को बुराई से अच्छाई की ओर ध्यान लगाओ। इसी तरीके से छठवां दोहा पढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में माही का अर्थ है के अंदर, मनुआ मनुवा का अर्थ है मन, चहुं का अर्थ है चारों ओर, दिशा का अर्थ है दिशा। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे का सरलार्थ है, यूं तो कबीर दास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे का सरलार्थ है, यूं तो कबीर दास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। यूं तो कबीर दास जी माला फेरने के ढंग पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि माला तो तेरे हाथ में फिरती रहती है, पर तेरा मन तो प्रभु के प्रति स्थिर नहीं है, वह चारों दिशाओं में घूमता रहता है, यह तो स्मरण नहीं है, इस तरीके को बदल दे। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के चौथे, पांचवें और छठे इन तीनों दोहों का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है।
आप भी घर पर 2-3 बार इसे पढ़ें, इन्हें याद करें और इनका सरलार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक।